चाहिए, उसका सर्वे होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। और आपके जो वंशज हैं मैम, उन्होंने पूर्वज हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जी जी बिल्कुल, वो जो जमीन थी वो उसकी जो वहाँ पर हमारे पास भी जो दस्तावेज है उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया। सात बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभाल। उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है, तो मैंने सुना कि उसके बदले में मुआवजा दिया। लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे, तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी और आज भी ये जो स्थिति है बहुत अच्छा है कि इन्होंने किसी ने आवाज उठाई और पिटीशन फाइल की है। उसके लिए कोई भी अगर आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेजों की या कुछ भी, तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में कोती थाना भी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है हम लोग प्रोवाइड करेंगे अगर कोर्ट आदेश देगा तो। आपने भी जब देखा होगा क्या डॉक्यूमेंट में क्या है उनके अंदर, क्या मेंशन है? वो डॉक्यूमेंट्स में यही है कि उन्होंने इसको लिया था, उस समय उनको अच्छा लगा तो उन्होंने उसको अक्वायर किया। क्या कोई टेंपल था वहाँ पर? वो अभी इतना कुछ मैंने देखा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो जो प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल हमारे परिवार की थी। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? मानना है कि दादमिल को तोड़ देना चाहिए। और मैं ये नहीं कहूंगी, इस पे पूरा जो जो उन्होंने कहा है कि कमरे खोले जाने चाहिए, कुछ कमरे हैं जो बंद है, कुछ पार्ट है ताजमहल का जो बंद है, सील्ड है, उस पे डेफिनेटली इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको खोलना चाहिए कि वहाँ क्या था क्या नहीं था। देखिए वो सारे फैक्ट्स तो तभी एस्टेब्लिश होंगे जबकि एक बार प्रॉपर उसकी इंक्वायरी होगी और कोर्ट आदेश देगा कि इसको डेफिनेटली इस पे पता करना चाहिए कि पहले क्या था। आप लोग भी कोई याचिका लगाएंगे इसको लेकर? हम लोग देख रहे हैं ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है।